हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने फेस के लिए एक होममेड रेमेडी, और वो एक रेमेडी ऐसी है कि जो आप स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल और जो आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसको ले जाने वाली है कोसों दूर। तो डियर फ्रेंड्स, ये रेमेडी में जो हमने यूज़ किया है मेन इंग्रेडिएंट का, उसका नाम है एग। तो डियर फ्रेंड्स, एग सुन के बहुत बार लग रहा होगा कि यार हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो एग को हाथ भी नहीं लगाते हैं, हम तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। डोंट वरी माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप एग नहीं यूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं। इसमें मैंने ये वीडियो बनाई है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो एग यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारी स्किन को लंबे समय तक यंग रखने में प्रोटीन का बहुत 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 बड़ा हाथ रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए इस रेमेडी में मैंने यूज़ किया है मेन एग का। साथ साथ में वीडियो चल रही है जिसमें मैंने बताया है कि मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने इसमें यूज़ किया है वाइट एग का, 1 स्पून मैंने लिया है वाइट एग को। दूसरा मैंने इसमें यूज़ किया है कुकम्बर जूस, यानी कि 1 चम्मच मैंने कुकम्बर का रस निकाला और वो मैंने इसमें ऐड किया है। कुकम्बर आपको पता है कि उसमें इतना ज़्यादा पानी होता है, इतना ज़्यादा वो हमारी ओवरऑल बॉडी को हाइड्रेट करता है। तो जब मैंने इसमें ये डाला है पैक में, तो ये हमारी फेस की स्किन को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देगा। तीसरा मैंने इसमें यूज़ किया है हनी का, हनी हमारी स्किन में जो है वो मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने में हेल्प करेगी। चौथा इसमें यूज़ किया है मैंने कर्ड का, जो मच मैंने इसमें लिया है, और उसके बाद इन चारों चीज़ों को मिक्स कर दिया है ब्लेंडर की हेल्प से ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। लेकिन ये जब पेस्ट, क्योंकि इसमें हमने कुकम्बर जूस डाला है, कर्ड है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको वाटरी सा बना देती हैं, तो उसको थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए इसमें यूज़ किया है मैंने बेसन का। बेसन भी आपको पता है कमाल का बेनिफिट देता है हमारी स्किन को, हमारी स्किन पे स्क्रब की तरह काम करता है। तो 5 चीज़ों का बना दिया है एक थिक पेस्ट, और उसके बाद इसको मैंने अप्लाई किया है। आपने देखना ब्रश से, मैंने वो सॉफ्ट वाला ब्रश नहीं लिया, मैंने थोड़ा हार्ड वाला ब्रश लिया है ताकि ये मेरी स्किन से अंदर से बाहर की तरह अपवर्ड की तरह मैंने इसको अप्लाई किया कुछ टाइम के लिए, और 2-5 मिनट रखने के बाद इसके ऊपर मैंने फिर से इसको रीअप्लाई किया है इसी पैक को, इसी पेस्ट को। पर उस सेकंड टाइम में मैंने इसको यूज़ किया है एक सबसे पतला वाला मैंने टिश्यू पेपर लिया है, इसमें वो जो पानी में डिप होते ही एकदम से सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, और मैंने वो किया, हल्की सी लेयर काटी और साथ में सेकंड लेयर में मैंने उनको डिप करके अपने फेस के चारों तरफ उस टिश्यू पेपर को अप्लाई कर दिया है कुछ टाइम के लिए सारे फेस पे। नोज़ पे थोड़ी थिक लेयर लगाई है क्योंकि नोज़ पे मेरी ब्लैक हेड्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए भी ये काम आए, क्योंकि एग का जो पैक है वो हमारे ब्लैक हेड्स को हटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने अपने फेस पे पूरे पे लगा दिया है टिश्यू पेपर के साथ। तो अब ठीक 15-20 मिनट बाद हम ये हटा देंगे टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से फ़ायदा क्या होगा कि ये हमारी स्किन में जो कुकम्बर है उसका जो रस है वो हमारी स्किन में मॉइस्चर मेंटेन कर देगा, हनी हमारी स्किन में बहुत अच्छा मॉइस्चर लाएगी, स्किन हमारी हाइड्रेटेड रहेगी और बहुत अच्छी लुक देने वाली है हमारी स्किन को। तो डियर फ्रेंड्स, 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको कर दिया वॉश, और वॉश करने के बाद ये हमारी स्किन में एक बहुत अच्छा सा टाइट सा फील करवाएगा हमें। आप देखोगे जब आप इस रेमेडी को ट्राई करोगे, और हमारी स्किन पे भी आप देखो एक नेचुरल शाइन, कोई आर्टिफिशियल शाइन नहीं दे रहा, नेचुरल शाइन है इसने मेरे फेस पे दी। स्किन बहुत 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 अच्छी बना दी है, स्किन पे अच्छा सा मॉइस्चर मेंटेन हो गया है और बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ग्लोइंग हो गई है। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके से ये पैक के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर हम वंस इन अ वीक इस पैक को यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते करते हमारी स्किन में बहुत अच्छा मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये रेमेडी आप भी ट्राई जरूर करना। वही कह रही हूँ, ट्राई करने के बाद अगर आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि आपको कैसे इसके रिज़ल्ट रहे।
कैसे रिजल्ट लगे। और फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। हाँ, लेकिन अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सारी वीडियोस का। और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अपने फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बहुत जल्द रूबरू होंगी आपके साथ एक नई होममेड रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर।